गाजा एक बार फिर इजरायली कत्लेआम से दहल उठा है। गाजा का सेफ जोन घोषित हो चुके खान यूनिस इलाके में इजरायली सेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ ने रिफ्यूजी कैंपों को निशाना बनाकर भीषण बमबारी की है। इजरायल के चौंका देने वाले इस हमले में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 290 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हवाई हमले के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। इजरायली सेना के गाजा हमले के बाद कई रिफ्यूजी कैंप तबाह हो गए हैं। इजरायली हमले इतने भीषण थे कि कई जगहों पर घंटे भर से ज्यादा धुएं का गुबार उठता दिखा। गाजा पर हुए हमले को फिलिस्तीनी प्रशासन ने नरसंहार करार देते हुए बताया कि रिफ्यूजी कैंप पर हुए हमले में खान यूनिस में भयंकर विनाश लीला देखने को मिली है। आईडीएफ ने दावा किया था कि अल्मवासी में अलकासिम के चीफ मोहम्मद देइफ के होने की पुख्ता जानकारी मिली थी। हालांकि इस हमले में हमास के सैन्य प्रमुख की मौत हुई है या नहीं, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। देइफ कई साल से इजरायल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। हालांकि हमास ने इजरायल के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उसका सैन्य कमांडर मोहम्मद देइफ उस क्षेत्र में था। चिंताजनक बात यह है कि हमला उस इलाके में हुआ जिसे खुद आईडीएफ ने हजारों फिलिस्तीनियों के लिए सुरक्षित घोषित किया हुआ था। इजरायल के गाजा पर हुए ताजा हमलों से तमतमाए लेबनान के इस्लामिक प्रतिरोध ने इजरायल पर भीषण हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों के खिलाफ 7 ऑपरेशंस को अंजाम देकर गाजा पर हुई एयर स्ट्राइक का बदला पूरा करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह प्रमुख ने खान यूनिस के अल्मवासी में हुई भीषण एयर स्ट्राइक पर इजरायल को खूब खरी खरी सुनाई। हसन नसरल्लाह ने कहा कि इजरायल ने अल्मवासी में नरसंहार किया। इजरायल ने यह दावा करते हुए अपनी एयर स्ट्राइक को जायज ठहराया कि उनका मकसद हमास नेताओं को निशाना बनाना था। क्या इससे भी बड़ा अन्याय और अत्याचार है? हम अलक्सा फ्लड की लड़ाई से विजयी होकर उभरेंगे। लड़ाई के दौरान हमारे घायल सेनानियों की एक बड़ी संख्या ठीक हो गई है और फ्रंटलाइन में लौट आई है। हिजबुल्लाह ने भारी रॉकेट्स का इस्तेमाल कर इजरायली बलों के अलमेटुला साइट को निशाना बनाया। साथ ही लड़ाकों ने अलखरदाली शहर को निशाना बनाकर भी भीषण हमला किया। इससे 2 इजरायली जवानों की जान चली गई। प्रतिरोध ने किरियत शमोना बस्ती पर भी गोलीबारी की है। इसके अलावा समूह ने बताया कि दर्जनों ग्रेड मिसाइलें मर्गालियट बस्ती में आईडीएफ की ओर से इस्तेमाल होने वाली इमारतों पर बरसाई गई। इससे सीधा हमला हुआ और बड़ी संख्या में हताहतों की पुष्टि हुई है। हिजबुल्लाह ने फलक मिसाइलों से हनीता साइड, मायान बरूक साइड और बेथिल्लेल बैरिक के पास 1/3 आईडीएफ की तैनाती पर हवाई फायर कर बड़ा नुकसान पहुंचाया। समूह ने दावा किया कि हर एक ऑपरेशन में सीधा हिट हुआ है। वहीं कफार चौबा की कब्जे वाली लेबनानी पहाड़ियों में रुइशत अल आलम साइट को मिसाइल हथियारों के साथ साथ रामिया साइट पर जासूसी उपकरणों से निशाना बनाया गया, जिससे सीधे हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह की ओर से जारी वीडियोस में लड़ाकों को हदाब यरून साइट और जरीड बैरिक के पास निशाना बनाते हुए दिखाया गया। इजरायली मीडिया हाउस ने लेबनान से हुए रॉकेट हमलों की पुष्टि करते हुए बताया कि उत्तरी इजरायल में करीब 6 इजरायली घायल हुए हैं। मिसाइलों के हमले के बाद किरियत शमोना क्षेत्र में आग लग गई, जबकि बस्ती में रॉकेट गिरने से मर्गालियट के 2 इमारतों को काफी नुकसान हुआ है।